हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नेहा ट्यूटोरियल्स। मैं हूं नेहा और आज मैं बात करने वाली हूं आप लोगों से बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दे पे, वो है एमटेक फीस हाइक। तो मैं आपको ये पूरा डिटेल में बताने वाली हूं, बट मैं शुरू से बताऊंगी कि आखिर ये बात क्या है। जैसे कि आपको पता है कि MHRD ने ये डिसाइड किया था कि एमटेक का जो फीस है उसे सडनली 20,000 से 2,00,000 कर दिया गया, इतना ज़्यादा बढ़ा दिया गया। और जो स्टाइपेंड भी थे वो सिर्फ कैटेगरी स्टूडेंट्स को मिलने वाले थे, सबको नहीं। तो ये जो डिसीजन था MHRD का, वो एक बहुत ही बड़े झटके की तरह था सारे लोगों के लिए, जो लोग भी एमटेक कर रहे हैं, बीटेक के बाद एमटेक करना चाह रहे हैं, अभी से गेट के प्रिपरेशंस कर रहे हैं। एंड सब प्रोटेस्ट पे लगे हुए थे कि नहीं, ये सब चाह रहे थे कि ऐसा हो, बट प्रोटेस्ट पे सारे लोग नहीं आ पा रहे थे। कुछ लोग ही थे जिन्होंने खुल के इसके खिलाफ बोला, जिसमें से एक है ढांडे सर। एंड मैं बहुत बड़ी, मैं दिल से उन्हें, उनका रिस्पेक्ट करती हूँ कि उन्होंने बहुत कुछ किया इसके लिए, कर रहे हैं। एंड ये सरासर गलत था जो कुछ भी ये डिसीजन लिया जा रहा है, एंड सबको उसके खिलाफ बोलना ही चाहिए। एंड ये जो फीस एमटेक फीस हाइक था वो क्यों सही है, इसके लिए जो आपके राम गोपाल राव हैं, जो कि IIT दिल्ली के डायरेक्टर हैं, उन्होंने कुछ 9 पॉइंट्स दिए थे कि ये क्यों हो रहा था, जिसे मैं आपको बताने वाली हूँ। जिसमें पहला पॉइंट उन्होंने दिया था कि मेनी टॉप यूनिवर्सिटीज इन द वर्ल्ड हैव स्ट्रॉन्ग बैचलर्स प्रोग्राम एंड स्ट्रॉन्ग PhD प्रोग्राम्स। द यूनिवर्सिटीज विच आर रनिंग लार्ज मास्टर्स प्रोग्राम्स आर अब्रॉड आर लुकिंग एट दिस एज रेवेन्यू अर्निंग एंड चेंज अ ह्यूज एंड चार्ज अ ह्यूज फी। तो क्योंकि अब्रॉड में वो लोग ऐसा सोच रहे हैं कि अब्रॉड के लोग, अब्रॉड में एमटेक के लिए बहुत ज़्यादा फीस होती है, तो हम इंडिया में भी ये अप्लाई कर देंगे कि उतनी ज़्यादा फीस हाइक हो। तो मैं ये पूछना चाहूँगी कि जैसे पैकेजेस अब्रॉड में हो रहे हैं, जैसा वहाँ पे फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा रही है, सिक्योरिटी, क्या आप यहाँ के एमटेक के स्टूडेंट को वो दे रहे हैं जो आप सिर्फ फीस के मामले में एमटेक के फीस के साथ यहाँ पे कंपैरिजन करके एमटेक के फीस को इतना बढ़ाना चाहते हैं लुकिंग एट अब्रॉड? इट इज एब्सर्ड, ऐसा नहीं कर सकते, ये कोई रीज़न नहीं है। दूसरा रीजन जो उन्होंने दिया था इज दैट स्टूडेंट्स हु कम टू द एमटेक प्रोग्राम इन IITs आर नॉट कमिंग टू बी अकेडमिशियंस। उन्हें तो अपोलोजाइज करना चाहिए ऐसा कहने के लिए कि आप कैसे बोल सकते हैं कि अगर हम एमटेक करने आ रहे हैं तो हम अकेडमिशियंस नहीं है, हम यहाँ पढ़ाई करने के लिए नहीं आ रहे हैं। ये गलत है, आप सबके ऊपर ये एक ब्लेम लगा रहे हैं कि नो, यू आर नॉट अकेडमिशियंस, आप यहाँ सिर्फ इसलिए आए हैं क्योंकि बीटेक के बाद आपको, आप चाहते थे कि आपको स्टाइपेंड मिले एंड देन जब जॉब मिले तो आप छोड़ देंगे एमटेक, आप सिर्फ इसी सोच के साथ एमटेक करने आ रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, आप सारे बच्चों को ये कह रहे हैं कि सारे के सारे अकेडमिशियंस नहीं है। कुछ बच्चे हैं जो इसलिए कर रहे हैं, और अगर कर भी रहे हैं तो इसलिए कर रहे हैं ड्रॉप, क्योंकि उन्हें जॉब अश्योरिटी कहीं और मिल रही है जो एमटेक में नहीं मिल रही है। बट सारे के सारे बच्चे इस चीज़ की वजह से नहीं आते हैं एमटेक में कि हमें ड्रॉप आउट करके जॉब ले लेना है बाहर, आप सबको नॉन अकेडमिशियंस नहीं कह सकते। तीसरा जो उन्होंने लिखा था, ऐसा कह रहे हैं कि वो कैसे टैक्स पे कर सकते हैं एमटेक के स्टूडेंट्स के लिए जो कि अनइंटरेस्टेड हैं, और ये एक ऐसा सिचुएशन आ गया उनके लिए जहां उन्हें सर्जिकल स्ट्राइक तक करना पड़ जाए। तो ये कम्प्लीटली गलत है। क्या जो एमटेक के स्टूडेंट्स हैं, हम जो इंजीनियर्स हैं, वो सारे टेररिस्ट हैं कि आप उनके ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक करवाने की बात कर रहे हैं? ये बहुत गलत है, क्योंकि हम अपने देश को टेक्निकली आगे बढ़ाना चाहते हैं। जो भी टेक्निकल स्टूडेंट्स हैं, हम एमटेक के थ्रू रिसर्च तक जाना चाहते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है आज के लिए, और आप हमारे ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक की बात कर रहे हैं? ये कैसे बोल सकते थे ये लोग? मतलब किस बेसिस पे ये डिसीजन लिया और कैसे रीजंस दिए कि क्यों ये सही है, विच इज़ रॉन्ग? ये कोई रीज़न नहीं है। चौथा पॉइंट जो उन्होंने दिया था उस टाइम पे, वो था कि इफ स्टूडेंट्स आर विलिंग टू पे 20 लाख्स फॉर एन MBA डिग्री इन IIM, दे कैन श्योरली पे 4 लाख्स फॉर अ मास्टर डिग्री इन IIT। ओह कम ऑन, क्या आप खुद को IIM से कंपेयर कर रहे हैं? आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? आप अगर किसी से खुद को कंपेयर कर रहे हैं तो टोटल तरीके से कीजिए, जिस तरीके का वो जॉब अश्योरेंस दे रहे हैं IIM, जिस तरीके से वो पैकेज दे रहा है, क्या आप एमटेक के स्टूडेंट्स को वो प्रोवाइड कर रहे हैं जो फीस के मामले में आप खुद को उनके साथ कंपेयर कर रहे हैं? वहाँ पे ड्रॉप आउट इसलिए नहीं हो रहे हैं क्योंकि वहाँ पे जॉब अश्योरिटी प्रोवाइड की जा रही है, आप वो अश्योरिटी नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं। जिस तरह IITs BTech के स्टूडेंट्स के लिए पैकेजेस लेकर होते हैं वहाँ पे, क्या वैसा एमटेक के स्टूडेंट के लिए है? नहीं है। फिर आप कैसे ये सब कह रहे हैं, कंपैरिजंस कर रहे हैं? IIM का अलग, वो लोग उतना पैकेज दे रहे हैं, वो अश्योरेंस दे रहे हैं, इस वजह से ड्रॉप आउट्स नहीं हो रहे हैं। तो आप वैसा सिचुएशन क्रिएट कीजिए
एमटेक में भी अगर वैसे जॉब अश्योर वैसे सिक्योरिटी आएगी, वैसे पैकेजेस आएंगे, तो क्यों ड्रॉप आउट होंगे? आप सिर्फ फीस के मामले में कंपेयर करके उसे बढ़ा रहे हैं. और जो पांचवा पॉइंट इन्होंने दिया है वो ये है कि IITs will focus on BTEC program and PhD program like what all research intensive universities do. Master program in IIT will train students for jobs and those who are interested in academics will switch over to PhD. IITs अब सिर्फ BTEC पे focus करना चाहते हैं, और जो लोग भी चाहते हैं कि वो आगे पढ़ाई करें, they can switch on to PhD. मतलब ये कैसे कुछ भी reason दिया था इन्होंने. छठा पॉइंट जो उन्होंने दिया है वो ये है, द काउंसिल रेजोल्यूशन ऑल्सो सेज दैट ऑल नीडी स्टूडेंट्स विल बी गिवन फी कंसेशन एंड स्कॉलरशिप सिमिलर टू द बीटेक स्टूडेंट्स. मतलब जो आपका स्टाइपेंड होगा ये सब होगा वो कैटेगरीज के लिए होंगे, नॉट फॉर ऑल. मतलब वो कैटेगरी में नहीं आते हैं तो वो उन्हें पढ़ने का आगे अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगा क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे. सिंपल यही कहना चाह रहे हैं. नाउ सेवेंथ, द फ्रीबीज दैट वी हैव बीन डॉलिंग आउट with the taxpayers. Now, IIT Delhi needs to repay something like rupees 580 crores to Canara Bank over the next 10 years. So, IIT ko pay karna hai over 580 crores to Canara Bank. So, wo indebted hai. So, kya wo is debt ko pura karne ke paise hum M.Tech ke students se lena chahte hain? अगर उन्हें कोई प्रॉफिट होता है तो क्या वो स्टूडेंट्स के साथ बांटते हैं? नहीं. तो जब वो इंडेप्टेड हैं तो हम उनके पैसे क्यों पे करें? आप वो आपके रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप कैसे 580 करोड़ को पूरा करेंगे. और बहुत सारे तरीके हैं उसको पूरा करने के लिए. आप जो इतना स्टैचूज बना के उसमें इतने करोड़ पैसे लगा रहे हैं, इतने सारे मनी लगा रहे हैं, आप खुद डिसाइड कीजिए कि आपके लिए कहाँ आपको पैसे लगाना है. आप बच्चों से कैसे अपना इनडेप्ट को पूरा कर सकते हैं कि हम एमटेक के स्टूडेंट्स वो पैसे देंगे दैट कैनरा बैंक को 580 करोड़ मिले? इट इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग. नाउ जो आठवां पॉइंट इन्होंने दिया है वो ये है कि IITs नीड टू प्रोड्यूस अ लार्ज नंबर ऑफ हाई क्वालिटी PhDs हु कैन गो आउट एंड बिल्ड अप टॉप क्लास इंस्टीट्यूट्स, गेट देयर एंटरप्रेन्योरशिप एंड बिल्ड रिसर्च कल्चर इन आर ओन इंडस्ट्री. नाउ ये कैसे आप कह सकते हैं? बीटेक के बाद जो सारे बच्चे हैं वो सारे बाहर आएंगे बीटेक करने के बाद, तो क्या सारे के सारे अपना स्टार्टअप कर लेंगे? सारे के सारे इतने स्किलफुल हैं दैट और इतने पैसे हैं सबके पास कि वो आते साथ सारे अपने अपने स्टार्टअप करने लग जाएंगे, अपने अपने कंपनीज खोल लेंगे, इंडस्ट्रीज खोल लेंगे, एंटरप्रेन्योरशिप में आ जाएंगे. सबके सब तो ऐसा नहीं कर सकते हैं. फिर आप ये क्यों इसको एक रीजन की तरह बता रहे हैं? ऐसा नहीं हो सकता, ये गलत है. नाउ इंडस्ट्रीज नीड टू टेक ओनरशिप ऑफ एमटेक प्रोग्राम्स इन IITs एंड नॉट लीव इट टू द गवर्नमेंट. ये जो नोवा पॉइंट है ये भी देखिए, इंडस्ट्रीज नीड टू टेक ओनरशिप ऑफ एमटेक प्रोग्राम, और ये आप गवर्नमेंट के ऊपर नहीं छोड़ सकते हैं, इट इज़ देयर डायरेक्ट इंटरेस्ट इन एमटेक. सो जो भी इन्होंने पॉइंट दिया था वो कोई भी वैलिड नहीं लग रहे थे, क्योंकि मैंने आपके पास 9 के 9 पॉइंट्स को अच्छे से रीड करके बताया कि क्या थे वो पॉइंट्स, क्यों इन्हें ये वैलिड मान रहे थे. तो इससे पूरा पता चल रहा है कि जो भी डिसीजन इन्होंने लिया वो गलत लिया है. और अभी ये आलम है कि जो सिविल के बच्चे हैं, इलेक्ट्रिकल के बच्चे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के बच्चे हैं, वो सब पता है बीटेक के बाद ये लोग एग्जाम दे रहे हैं इंफोसिस के, कॉग्निजेंट के, विप्रो के, TCS के, ये सॉफ्टवेयर कंपनीज के. नॉट बिकॉज इन्हें सॉफ्टवेयर में इंटरेस्ट है, इसलिए क्योंकि इनको पता है कि अगर वो बहुत अच्छा IIT कॉलेज से नहीं है और बीटेक इन्होंने किसी नॉर्मल कॉलेज से की है तो उनको वैसे एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है. और बेरोजगारी का ये आलम है कि आपको जहाँ नौकरी मिल रहा है, जहाँ मौका मिल रहा है, आप घुस जाओ, क्योंकि पता है कि अगर आप कहीं भी नहीं जा रहे हैं, कोई आपको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रही है, तो इन लोगों को पता है कि इतनी खराब परिस्थिति आ जाएगी कि बेरोजगारी आ जाएगी कि मरना चाहे तो जहर खरीदने के पैसे भी नहीं होंगे. तो इस सिचुएशन में ये लोग क्या करते हैं, किसी भी सॉफ्टवेयर कंपनी में एग्जाम देके वहां घुस जा रहे हैं और बल्क में इस तरह के कंपनीज बच्चों को ले जाते हैं. तो इस सिचुएशन से बचने के लिए बीटेक के जो स्टूडेंट्स हैं उनके पास एक आशा की किरण होती है गेट, कि हम गेट क्वालिफाई करेंगे, हम अपने पैशन को लेके, जो हमारा जज्बा है, उसको रिसर्च पे लेके जाएंगे, आगे पढ़ाई करेंगे, एमटेक तक एमटेक करेंगे, उसके बाद रिसर्च में जाएंगे, एंड जो भी उनका एम होता है उसको लेके वो आगे बढ़ना चाहते हैं. तो आप उस एक जरिए को भी ख़त्म करना चाहते हैं, आप अपने ही कंट्री को टेक्निकली वीक बनाना चाह रहे हैं. मैं इनसे ये पूछना चाहूँगी कि आज जो इतने सारे लोग खुश हो रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर्स ने रफेल को इम्पोर्ट करवाया, खरीदा है उन्होंने, काफ़ी पैसे लगे उस पर, हम सब बहुत खुश है कि हाँ वी हैव रफेल इन अवर कंट्री, बट ये एक डिसअपॉइंटमेंट का भी इशू है कि क्या हमारी कंट्री उतनी सक्षम नहीं है कि हम खुद अपने कंट्री में रफेल बनाएं? नहीं, वी आर टेक्निकली वीक, हम खुद नहीं बना पा रहे हैं, वी डोंट हैव टेक्निकल
उतनी स्ट्रेंथ नहीं टेक्निकलिटी में, वैसे वैसा स्किल नहीं आ पा रहा है, वैसे इंजीनियर्स चाहिए, वैसा रिसर्च होना चाहिए, वैसा होना चाहिए हमारे कंट्री का भी वो स्टेटस कि हम खुद से बनाएं और दूसरे हमारे कंट्री से खरीदें, तो वो उनको क्रिएट करना चाहिए, ना कि हम ये सोच के खुश हो जाएं कि हमने दूसरों से खरीद ली, बल्कि प्राइम मिनिस्टर को इस पर फोकस करना चाहिए कि वो इस कंट्री को कैसे टेक्निकली स्ट्रांग बनाए कि हम खुद टेक्नोलॉजी को आगे लेके जाएं। एमटेक करने के बाद ही बच्चे रिसर्च पे जाएंगे या अपने स्किल्स को जो भी इन्हांस करना चाहते हैं, तो ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सिचुएशन पैदा करें इस कंट्री में कि टेक्नोलॉजी आगे बढ़े। पर आप अगर इस तरीके से फीस को बढ़ा देंगे तो जो लोग सोच भी रहे हैं एमटेक करने का, रिसर्च पे जाने का, टेक्निकली खुद को और आगे बढ़ाने का हायर एजुकेशन के थ्रू, वो तो डिमोटिवेट हो जाएंगे। एंड वो जो सोच भी रहे हैं, जिनके अंदर जज्बा भी है, वो पीछे हट जाएंगे। तो ऐसे हमारा कंट्री टेक्नोलॉजी वाइज कैसे आगे बढ़ेगा? ये सिर्फ इंजीनियर्स के लिए नहीं है, ये सिर्फ पूरे कंट्री के लिए है, हमारे देश के आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़रूरी है। इस पर सोचने की ज़रूरत है। दे हैव टू थिंक एंड दे शुड टेक द डिसीजन बैक। एंड आई रिक्वेस्ट ऑल माई फ्रेंड्स, जो लोग भी इंजीनियरिंग कर रहे हैं, अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये आपकी लड़ाई कोई और आपके लिए लड़ेगा, तो ऐसा नहीं होने वाला है। यू वॉन्ट the MHRD to take the decision back, but you're not protesting. सिर्फ ये सोचना कि दूसरे लोग जो 500-600 लोग जाके गए थे जंतर मंतर पे, उन लोगों ने बोला या सिर्फ सर प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो आपके लिए ये हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। यू हैव टू फाइट फॉर yourself. अभी मैं बहुत ही ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि सर ने बढ़ चढ़ कर इतने ज़्यादा इसको बढ़ाया है। एंड मैं चाहती हूँ कि मेरे जितने भी लोग हैं इंजीनियरिंग के हैं या जो बच्चे हैं 11-12 के, जो चाहते हैं कि आगे चल के वो बीटेक करें, एमटेक करें, वो भी इस प्रोटेस्ट में शामिल हों। ऐसा ना सोचे कि अभी तो मैं नहीं कर रहा हूँ, जब जाऊँगा तब वो देखा जाएगा। जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, सेकेंड ईयर के, वो सोच रहे हैं कि अभी तो टाइम है, वील सी फॉर इट। नहीं, आप इफ यू वॉन्ट द डिसीजन टू बी टेकन बैक, यू हैव टू प्रोटेस्ट। और इसका एक तरीका, जैसे कि सर ने बताया है, ढांडे सर ने, कि आप लेटर लिखें PMO को, MHRD को, ताकि वो जाने कि इतने सारे लोग हैं जो नहीं चाहते हैं कि ऐसा हो। दे विल रीथिंक अबाउट इट। उनको भी झटका लगेगा जब वो देखेंगे कि इतने सारे तादाद में लेटर्स आ रहे हैं, उन्हें पिकल करें हम सब, तभी कुछ हो सकता है। अपने लेवल पे प्रोटेस्ट को लेके जाइए, उसे एक अलग ही लेवल पे लेके जाइए, ताकि वो लोग सोचें एंड दे टेक इट बैक। क्योंकि इफ वी हैव मेड द गवर्नमेंट एंड दे कांट टेक एनी डिसीजन फॉर अस, दैट टू फॉर इंजीनियर्स, जो कि इतने ज्यादा हैं तादाद में, अगर हम सारे मिल जाएं, सारे लेटर लिखें, तो जरूर कुछ होगा। आप क्यों नहीं समझते? मैं भी आपको उसका लिंक शेयर करूंगी नीचे, आप उस पर क्लिक करें, जो ढांडे सर ने ही लिंक दिया है, और उस पर लेटर लिखे, उसे पोस्ट करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा नंबर पे जब लेटर्स जाएंगे तो वो रीथिंक करेंगे इसके बारे में। क्योंकि गवर्नमेंट शुड नो कि जो वो डिसीजन ले रहे हैं उसके अगेंस्ट हैं सब कोई, या उन्हें खुद ये सर्वे करना चाहिए कि कॉलेजेस में आके कि यार कोई बच्चा ऐसा बोल रहा है कि नहीं, जो डिसीजन हुआ ये बहुत सही है, और अगर सही है तो क्यों सही है। जब हम सारे कह रहे हैं कि इट इज़ रॉन्ग, इट इज़ नॉट फॉर द बेनिफिट, इससे कुछ भला नहीं होने वाला है, तो फिर ये गलत है और हमें अपनी नामंजूरी दिखानी पड़ेगी। और मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि जो लोग भी बीटेक में हो और वो चाहते हैं कि ये डिसीजन पे रीथिंक किया जाए, इट शुड बी टेकन बैक। यू हैव टू टेक अ डिसीजन, यू हैव टू राइट अ लेटर। आप सबको, जितने लोगों को बोल सकते हैं उन्हें कहिए कि वो भी लेटर लिखें, उसे पोस्ट करें, चाहे वो कर रहे हैं, इस लाइन में हैं या नहीं है, बट स्टिल दे शुड, क्योंकि ये सिर्फ हमारा नहीं, पूरे नेशन का सवाल है। एंड यू आर वॉचिंग दिस वीडियो बिकॉज यू वॉन्ट दिस डिसीजन टू बी टेकन बैक, आई एम श्योर रिगार्डिंग इट। और अगर आप चाहते हैं ऐसा हो, तो प्लीज़ आगे बढ़ें, लेटर लिखें, पोस्ट करें, प्रोटेस्ट करें टू द फुल ऑफ योर स्ट्रेंथ। थैंक यू। और मैं ये उम्मीद करती हूँ कि आप ज़रूर लेटर